जिंदगी के जिस मुकाम पर हो इसे तस्लीम कर लो, और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नज़र आने वाला शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा। लिहाजा खुद को जाने, खुद को पहचाने और खुद की कदर करें। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी। लंबी दोस्ती के लिए दो बातों पर अमल करना। एक, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करना, और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात कभी दिल पर ना लेना। जब जिंदगी काबिले भरोसा नहीं तो जिंदगी में आने वाले लोग कैसे भरोसे के काबिल हो सकते हैं? जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो लोग साथ क्यों नहीं छोड़ सकते? लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब मत करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना? ज़रूरी नहीं जो शख्स आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी ज़ात में बिल्कुल मुकम्मल है। वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। परिंदे अपने पांव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, क्योंकि लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। किसी ने पूछा, कौन अपना है कौन नहीं? जवाब आया, अगर वक्त अपना है तो सब अपना है, वरना कोई नहीं। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पे सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। आप साल बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जिंदगी की हकीकत, जो मिल गया वो बेहतर है, जो ना मिल सका उसी में बेहतरी है। नेकी करना आसान है, लेकिन नेकी की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। मुअज्जिज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मौजिज इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन पर माफ तो किया जा सकता है, मगर दोबारा तलक नहीं रखा जा सकता। शिकायत करने से पहले खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी? आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कोई इतना ही पूछ ले, तुम ठीक तो हो ना? सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े। ये दुनिया चाहत से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। मैं थक गया था परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हुआ हूँ सुकून में हूँ। किसी की खूबियों की तारीफ करने में वक्त ज़ाया मत करो, बल्कि इसकी खूबियों को अपनाने की कोशिश करो।
पता है तकलीफ क्या है, किसी को चाहना फिर इसे खो देना और खामोश हो जाना। कोशिश कीजिए जिनके साथ उम्र गुजारने का सौदा तय हो, इनसे दिल मिले ना मिले जहन जरूर मिलते हों।